साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी, मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरियों में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे, ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है, और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है।